हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनके केस हमारे पास एक पीसी है जिसमें ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है। मैं जब भी अपने पीसी को ऑन करता हूँ तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जा रही है और ओनली माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है। तो इस एरर को हम कैसे फिक्स करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा दूँगी यह एरर कैसे आता है। तो जब हम अपना पीसी ऑन करते हैं तो पीसी हमारा तो बूटिंग प्रोसेस तो लेता है, हमारा पीसी जो है नॉर्मली बूट हो जाता है। जो भी आपके सिस्टम में विंडोज डली होगी उसका लोगो आपको दिखाई देगा और पीसी सक्सेसफुली बूट होगी और स्टार्टिंग विंडो हमारी जो है आ चुकी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे विंडोज इंस्टॉल होती है, सॉरी विंडोज स्टार्ट होती है, उसके बाद जो देखेंगे हमारी स्क्रीन है वह ब्लैक हो जाती है और केवल माउस का पॉइंटर ही मूव करता है। तो इसको कैसे हम फिक्स करेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो को, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट डिलीट तीनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो मैं प्रेस करता हूँ, तो मैं कंट्रोल अल्ट डिलीट एक साथ प्रेस करूंगा जिससे कि हमारा पीसी जो है रिस्टार्ट होगा। और उसके बाद आप स्टार्ट टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। तो स्टार्ट टास्क मैनेजर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगी और इस विंडोज में आपको प्रोसेसर पर जानना है और यहाँ पर आपको explorer.exe नाम की फाइल को फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें अभी तक explorer.exe की फाइल नहीं मिल पाई है। इन केस अगर आप में है तो उसको सिलेक्ट करना, अगर नहीं है explorer.exe नाम की एक फाइल बना लेनी है। तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू टास्क रन पर क्लिक करेंगे। तो क्रिएट न्यू टास्क हमारा जो विंडोज आ चुका है तो इसमें आपको लिखना है explorer.exe। तो मैं आपको स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ, आपको क्लियर मीनिंग टाइप करनी है। अगर आपकी फाइल अटैच हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। तो इसके बाद आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। आप जैसे ब्राउज पर क्लिक, आप अपने दिस पीसी में पहुँच जाएंगे और उसके बाद आपको सी ड्राइव पर क्लिक करना है। तो सी ड्राइव पर हम क्लिक करेंगे, उस सर्च बार में हम लिखेंगे एक्सप्लोरर। आपको explorer.exe नहीं लिखना, आपको ओनली एक्सप्लोरर लिखना है। तो एक्सप्लोरर हम लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे तो हमें सम बंच ऑफ फाइल खुलकर आ जाएंगी। तो हम देखेंगे जो सबसे नीचे आ रही है हमारी explorer.exe, सेम इसी तरह की आपकी फाइल होगी और इसी तरह का फाइल का लोगो होगा। आपको इसी साइज की भी वो होगी 2.49 MB की। आपको इस पर एक बार क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है और देन ओपन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और ओपन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारी फाइल थी वह ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको अपना टास्क मैनेजर जो है क्लोज कर देना है। तो फाइनली हमारी विंडोज जो है ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम और सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।